साल के मुताबिक इस साल मनाया गया। 2 साल से कोरोना की वजह से मनाया नहीं गया था। पहले यहाँ की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है कि यहाँ हिंदू मुसलमानों का एक बहुत धूम रहता था, आज भी है। पहले यहाँ कव्वाली संदल के दिन पूरे गांव में हुई थी, संदल हर गांव में चादर चढ़ाई थी संदल के ऊपर। आज कव्वाली उठी, बड़े हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाली यहाँ आके गए। अभी का माहौल ऐसा है कि कव्वाली ना करते हुए कुछ लोग यहाँ खाने का प्रोग्राम रखते हैं, जो सुबह संदल के दिन खाना चलता है दाल बाटी का, पूरे हर समाज का भी यहाँ योगदान करके खाने को खिलाता है और खाता है। तो यहाँ की ये परंपरा है। भगवानच्या एकात्मतेचं एक पवित्र स्थळ या ठिकाणी हजरत पीर मंजन शाह बाबा यांच्या रूपाने गेल्या 100 वर्षापासून परिसर व शहर पाहत आहे। अतिशय पवित्र आणि जागृत असलेलं देवस्थान आहे। समस्त शहरवासियांच्या श्रद्धेचं एक स्थान आहे व सामाजिक व धार्मिक एकोपा एकात्मता याचं हे एक चांगलं प्रतीक आहे। या दर्गावर बाबाचा सुंदर चतुर्थी शरीर गेल्या कित्येक वर्षापासून हा अशा पद्धतीने सुरू आहे। सर्व हिंदू मुस्लिम बांधव स्वतंत्र येऊन आपापल्या परीने आपल्या संस्थेचे फुलं या ठिकाणी आणून खऱ्या अर्थाने एकोपा दाखवण्याचा कायम अविरत प्रयत्न करत असतात। अशाच थोर पुरुषांचं व दैवतांची ही भूमी म्हणून या चावडा शहरामध्ये सातत्याने शांतता सुव्यवस्था टिकून आहे। मी परमेश्वराकडे बाबांकडे हीच मागणी करतो की अशाच पद्धतीने या शहराचं एकात्मता अखंडित राहत, या शहरावर येणारी आपत्ती असेल, कुठलंही अपवित्र काम असेल तर त्या ठिकाणी थांबलं जावं आणि शहरामध्ये सुखसमृद्धी नांदो, मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो। आजसुद्धा मोठ्या जल्लोषामध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये आणि अगदी मोकळ्या वातावरणात गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाच्या काळामुळे हा उर्स शरीर या ठिकाणी अगदी साध्या पद्धतीने साजरा केला होता। मात्र यावर्षी गेल्या 2 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर एक चांगला उपक्रम इथे करण्यात आला। खरं मी जो 4-6 महिन्यांमधल्या काळात मलाही येता आलं नाही, मात्र इतक्या सुंदर पद्धतीने हे देवस्थान या ठिकाणी स्वयंकर्त्याने सर्व सहकाऱ्यांनी एकत्र येऊन ज्या पद्धतीने हा कार्यक्रम व त्याचं बांधकाम इथे सुरू कशा पद्धतीने केला कारण्याजोगं आहे। गुरुबा को मानने वाला हर जाति का, हर समाज का वर्ग है, जो बड़ी उत्साह से कहता है कि 7 जून कब आएंगे। 7 जून ऐसी तारीख है कि जो कोई भूलता नहीं है। सावदा के आसपास कितने भी हिंदू मुसलमान लोग हैं वो 7 जून को ऐतिहासिक तारीख करके रखते हो। और मैं यहाँ पे आज भावनक मत लोग हैं, आज दरगाह पर चादर फूल शिवनी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अभी संदल गाँव में घूमने के लिए गए, फिर भी जो शाही संदल के चादर चढ़ाने वाले लोग हैं वो चादर चढ़ा लेते मगरिब के पहले, वैसे हमने भी आज सबने मिलके हमारे सबकी फैमिली से, हमारे सबके योगदान से आज चादर चढ़ा दी।